लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। निचलोल पुलिस चोरी की दो मोटरसाइकिल अवैध कटे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महाराजन द्वारा अपराध की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में निचलोल पुलिस द्वारा चोरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल व अवैध कट्टा जिंदा कारतूस बरामद कर विधिक कार्रवाई की गई। दिनांक 18/3/2019 को उपनिरीक्षक श्री ध्रुव नारायण मौर्य में हमरा पुलिस बल द्वारा दौरान देशभर क्षेत्र तलाश वांछित अमरी पुल के पास मौजूद थे कि एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति चमनगंज की तरफ से तेजी से आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से मोटरसाइकिल चालक को पकड़ लिया गया तथा दो अन्य व्यक्ति भागने में सफल हो गए। पकड़े गए व्यक्ति से भागने के कारण व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम महेंद्र पुत्र प्रहलाद निवासी चंदा गुलरवार थाना निचलोल जनपद महाराज में बताया तथा यह सब चोरी की है जिसे जल्दी ही चंदा गुलरबार चौराहे से चुराए थे और बेचने के लिए नेपाल जा रहे थे। लोगों को रास्ते में देखकर भागने लगे। भागने वाले व्यक्तियों के बारे में पूछने पर उनका नाम क्रमशः भोला पुत्र लल्लन निवासी गेड़ावा थाना निचलोल जनपद महाराजगंज और दूसरे व्यक्ति का नाम जितेंद्र पुत्र प्यारे चौहान निवासी ग्राम चंदा गुलरबार थाना निचलोल जनपद महाराजगंज। तीनों मिलकर मोटरसाइकिल चुराते थे तथा उसे नेपाल ले जाकर बेचते थे। बरामद मोटरसाइकिल संबंधित कागजात मांगने पर कोई भी कागजात नहीं दिखा सका तथा जमा तलाशी में उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। महेंद्र पुत्र प्रहलाद की निशानदेही पर भोला पुत्र ललन के घर चोरी की मोटरसाइकिल नंबर UP56J2110 हीरो होंडा स्प्लेंडर बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 97/2019 धारा 379 भारतीय दंड विधान मुकदमा अपराध संख्या 100/2019 धारा 325 का अभियुक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त महेंद्र उपरोक्त को जेल भेजा गया तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जनपद महाराजगंज के निचलोल से तैयब अली चिश्ती की रिपोर्ट।